सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में सिर्फ 114 रन बनाने वाले यह खिलाड़ी था सचिन तेंदुलकर का पहला कप्तान। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हर एक प्रारूप में टीम इंडिया विराट कोहली की अगुवाई में अपना नाम का डंका पिट रही है। सीरीज दर सीरीज टीम और टीम के सभी खिलाड़ी बड़े बड़े और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आज हर कोई भारतीय टीम के खिलाड़ियों का गुणगान करता हुआ नजर आ रहा है। वही कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको आज कोई पूछता तक नहीं। इसी लिस्ट में एक नाम पूर्व टीम मैनेजर और दाएं हाथ के बल्लेबाज लालचंद राजपूत का भी आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज लालचंद राजपूत अपना 56वां जन्म दिवस मना रहे हैं। मुंबई में हुआ था जन्म। लालचंद राजपूत का जन्म आज ही दिन 18 दिसंबर सन 1961 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। लालचंद राजपूत पेशे से एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लालचंद को टीम इंडिया के लिए खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला और वे सिर्फ गिने चुने मैच ही खेल सके। लालचंद राजपूत ने टीम इंडिया के लिए कुल 2 टेस्ट और 4 एक दिवसीय खेले। इस दौरान उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 105 और 4 वन डे में कुल 9 रन ही बनाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भले ही राजपूत कोई बड़ा कारनामा न कर सके हो, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने जमकर रनों की बरसात की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में असम, मुंबई और विदर्भ के लिए खेल चुके लालचंद राजपूत ने कुल 110 मैच खेले और 7988 रन बनाने में सफल रहे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके नाम पर 20 शतक और 46 अर्धशतक दर्ज रहे। सचिन के थे पहले कप्तान, यह बात शायद ही खेल प्रेमी जानते होंगे, लेकिन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के सबसे पहले कप्तान लालचंद राजपूत ही थे। सचिन ने जब अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट का आगाज किया था तब लालचंद राजपूत ही उनके कप्तान थे। यह बात सन 1988 की है, तब सचिन ने अपना रणजी डेब्यू किया था और एल राजपूत बॉम्बे की टीम के कप्तान थे। लालचंद राजपूत 2007 के T20 विश्व और 2008 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज में टीम इंडिया के साथ बतौर मैनेजर और सहायक कोच के रूप में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वे मुंबई इंडियंस और अफगानिस्तान के भी कोच रह चुके हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करिए और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।